दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है आज आप लोग इस वीडियो में दुनिया में मौजूद कुछ सबसे अनोखे स्लाइड देखने जा रहे हैं जैसे कि अभी टर्की के अनोखे वाटर पार्क को देखें, जो कि काफी बड़ा और अनोखा बनाया गया है जहां पर पहला स्लाइड यह है जिसमें लोग ऊपर और नीचे स्लाइड करते हुए जाते हैं फिर उसके बाद इस वाटर पार्क में वाटर बकेट भी मौजूद है और सबसे ज्यादा अनोखा इस वाटर पार्क में यह जगह है जहाँ पर स्लाइड के एंड को जानवर के मुंह जैसा बनाया गया है और इसी की वजह से यहाँ पर कुछ क्रोकोडाइल जैसे है तो कुछ शर्क जैसे बनाए गए हैं जहाँ पर शार्क वाले स्लाइड के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है तो आगे आप लोग कुछ ऐसे ही अनोखे वाटर स्लाइड देखने जा रहे हैं नंबर एक दोस्तों अभी अनोखे वाटर स्लाइड को देखें जो कि बड़े शिप में बनाया गया है जिसमें लोग समुन्द्र के बीच में स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाहर वाला पार्ट ग्लास से बनाया गया है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसमें राइड करते समय लोग समुन्द्र का नजारा भी देख सकते हैं अब यह स्लाइड का नाम स्पेस टनल है जिसमें जब लोग इस ऊंचे नीचे स्लाइड से जाते हैं तो वह इस बाउल आकार जैसे स्लाइड में पहुंच जाते हैं जो कि पानी से काफी ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है इसलिए स्लाइड में लोग काफी ऊपर से होल से नीचे गिर जाते हैं, जो कि आप ही देख सकते हैं कि पानी से कितना ऊपर यह मौजूद है और इस गोल वाले स्लाइड में राइड करते समय बहुत मजा आता है जहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है नंबर दो ये वाटर स्लाइड दुबई का है जहाँ पर इसका यह स्लाइड काफी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और बड़ा बनाया गया है जो कि एक तरह का ट्रैपडोर स्लाइड है जिसमें जाने के लिए पहले लोगों को यह सीढ़ियों को पार करना पड़ता है जो कि पूरे 32 मीटर इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है जहाँ पर दो ट्रैपडोर मौजूद है और इन्हीं ग्लास के अंदर के प्लेट को अचानक ही छोड़ दिया जाता है इससे लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है और राइड करते समय लोगों की स्पीड पचास किलोमीटर पर आवर हो जाती है जो की यही कारण की वजह से यह स्लाइड सबके लिए नहीं है नंबर तीन अब यह वाटर स्लाइड में बहुत अजीबों गरीब घटना हुआ है क्योंकि जब यह बच्चे या स्लाइड में राइड करने जाते हैं तो उनका अजीबो गरीब घटना इस व्यक्ति के कैमरा में कैद हो गया क्योंकि जब यह व्यक्ति बाउल वाले आकार जैसे स्लाइड में पहुंचता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे खड़े हुए थे और वो बच्चे दूसरों को स्लाइड करते हुए देख रहे थे जो की काफी ज्यादा खतरनाक है क्यूँकी ऐसे स्लाइड में खड़े होने से दूसरों से टकरा भी सकते है इसलिए उन बच्चों को वापस वहाँ से निकाल लिया गया अब यह दुनिया का सबसे पहला लूप वाला स्लाइड है जिसका नाम एक्वा लूप है जहाँ पर यह स्लाइड पूरी तरह से गोल होने के वजह से लोग बहुत तेजी से राइड करते हुए जाते हैं, जिसमे कुछ लोगों की आंखों में भी पानी चले जाता है नंबर चार दोस्तों अब यह सबसे अजीब और डरावना टनल स्लाइड है क्योंकि शुरुआत में स्लाइड नॉर्मल रहता है पर यह टनल के अंदर थोड़ी सी रोशनी रहती है और इसी की वजह से लोगों को यहाँ पर डर लगने लगता है जो कि यह टनल पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया है इसलिए यहाँ पर संभल के स्लाइड करना चाहिए क्योंकि टकराने से लोगों के हाथ पैर भी जा सकते हैं और कमाल की बात यह है की यहाँ पर टनल को बिल्कुल ट्रेन वाले टनल की तरह ही बनाया गया है इसी की वजह से यहाँ पर स्लाइड करते समय लोग बहुत ज्यादा हिलते हुए राइड करते हैं अभी ये स्लाइड का नाम इमेजिन स्लाइड है जिसमें रेनबो की तरह ही कलर्स मौजूद है इसलिए इसमें राइड करते समय लोग नेचर का नज़ारा भी देख सकते हैं और ये स्लाइड में बिल्कुल भी पानी नहीं है जो कि बिना पानी के भी यह स्लाइड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है अभी यह फ्लाई स्लाइड में यह बंदा बहुत गलत तरीके से स्लाइड करने जा रहा है जो कि इसी की वजह से राइड करते समय बहुत ज्यादा ऊपर उछलकर पानी में गिर जाता है और यह देखने में काफी खतरनाक भी लग रहा है इसलिए ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए नंबर पाँच दोस्तों अब यह स्लाइड बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह ही बनाया गया है क्योंकि इसमें रोलर कोस्टर की तरह ही लूप्स है वो भी ये लूप पूरी तरह से ओपन है इसलिए यह काफी अनोखा और खतरनाक राइड है बस इतना ही नहीं बल्कि इसमें एंड में लोग स्लाइड से उछल भी जाते हैं अब ये स्लाइड को भी देख लीजिए जो कि पेड़ों के बीच में बनाया गया है जिसमें जब ग्रीन सिग्नल होता है तभी लोग स्लाइड करते हैं और रेड सिग्नल के समय लोग स्लाइड करते समय रुक जाते हैं यहाँ पर स्लाइड करते समय कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है और भले ही यह छोटा स्लाइड हो पर यहाँ पर इतना मजा आता है की लोग बार बार ये स्लाइड करते हैं नंबर छह अब ये स्लाइड को देखे जिसमे कुत्ते को लगता है की उसका ओनर खतरे में है इसलिए यह कुत्ता अभी स्लाइड में कूद जाता है और ये देखे हमें पता चलता है कि इंसानों से ज्यादा अच्छा वफादारी कुत्ते ही निभाते हैं दोस्तों अब ये स्लाइड तो नहीं बल्कि ट्रैम्पोलिन जंप है जिसमें एक इंसान दूसरे को ऐसा ऊपर उछाल देता है और वो व्यक्ति सामने जाकर ये सॉफ्ट बॉल्स पे गिर जाता है इसलिए काफी ज्यादा मजेदार राइड होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना